ये तमाम में एक अपने जीआईडीसी 417 अरब अवाम ने पैसा भरा था, कंपनियों ने देना था, कोर्ट में केस चल रहा था, पाकिस्तानी हुकूमत को 417 अरब का केस पाकिस्तान जीत गया। आईपीपीस पाकिस्तानी को महंगी बिजली लेती थी, बिल भरते थे, 20-20 साल के मुआहदे हुए थे, न किसी ने इंक्वायरी कराई क्योंकि अपने मफादात थे। इमरान खान ने इंक्वायरी कराई, रिपोर्ट आई, अब परसों मुजाकिरात हो गए, उसके भी सम्राट अब कौम को मिलेंगे। आईपीपीस का सक्सेस आपको मिल गया, जीआईडीसी के 417 अरब आपको मिलने हैं, ML1 का इकनिक ने मंजूरी, हैदराबाद सेक्टर EOI आ गया, रावी प्रोजेक्ट का आगाज हो गया, न्यू ब्लू एरिया का हो गया, आपकी रिजर्व बढ़ने लगे, आपकी जरिए मुबादला की जो फॉरेन रिमिटेंसेस है वो रिकॉर्ड आपके पास आ गए। ये तमाम चीजें मैं बता रहा हूं, कोरोना की वबा दुनिया ने तस्लीम कर दिया कि पाकिस्तानी जिस अंदाज से उसको डील किया वो एक मिसाल है। और जब हम कह रहे थे तो कोई नहीं मान रहा था, बिल गेट्स ने कह दिया तो सब सुन रहे हैं, तो वो भी आपके सामने आ गया। फिर इसके साथ साथ फेट ऑफ पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान ने जो पार्लियामेंट उसकी लेजिस्लेशन भी हो गई, तो ये एक और चीज आ गई, बादशाह डैम का इफ्तिताह हो गया। हमेशा से सुनते थे डैम जो पुराने पाकिस्तान के 70 साल में जितने बने हैं वही है पहले जो बने हैं, अभी आपने मोमन डैम के बाद बादशाह डैम का भी आगाज कर लिया। एहसास नशोनुमा प्रोग्राम का परसों प्राइम मिनिस्टर ने आगाज किया, पिशावर BRT भी मुकम्मल हो गया, उसका भी आगाज हो गया। तो एहसास नशोनुमा के फिजाई किल्लत के जो शिकार बच्चे हैं, 40% पाकिस्तानी बच्चों का हम जिक्र करते थे, उनके लिए प्रोग्राम आ गया। अब ये मैं सिर्फ आपको एक हफ्ते की खुशखबरियां सुना रहा था, जब ये बातें हम करेंगे तो जवाब में क्या कहा जाएगा कि हम तो सड़कें बनाते थे। अब जरा मैं नए सड़कों के ऊपर भी आता हूं कि ये तो एक हफ्ते की हुकूमती सतह पर खुशखबरी आपको मिली, लेकिन ये तमाम चीजें जब आप बताएंगे कि मायाशी इस्तेहकाम आपने हासिल कर लिया, कोरोना की वबा पे काबू हासिल कर लिया, दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो गया, टेररिज्म से टूरिज्म तक का आपने सफर तय कर लिया, ये तमाम बातों के बाद एक जवाब मिलेगा जरूर आपको कि हमने सड़कें बनाई। अब जरा सड़कों के ऊपर आते हैं कि इस साल हम कौन सी सड़कें, एक तो इस माली साल में हैदराबाद सक्कर मोटरवे 306 किलोमीटर काम आगाज करेंगे। मैं आपको यह भी बताता चलूं कि हमारा विजन क्या था प्राइम मिनिस्टर साहब का कि सड़कें बनाएंगे, उससे ज्यादा बनाएंगे, लेकिन इकोनॉमिकली वाइबल कमर्शियली फीजिबल प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाएंगे, मतलब कि NHA ऐसी अपनी प्लानिंग करेगा, ऐसे प्रोजेक्ट सामने लेके आएगा जिसमें इन्वेस्टमेंट आए, लोगों को रोजगार मिले, सड़क भी बने, वो कमर्शियली फीजिबल हो, और कौम के खजाना जो PSDP में हम एलोकेशन करते हैं उसके ऊपर कम से कम बोझ पड़े, तो और जो बाकी पैसा है वो सेहत, तालीम, पानी, इलाज, इन चीजों के ऊपर लगे। तो हमने जो 8 प्रोजेक्ट्स, या तो इस साल उसकी फिजिबिलिटी, माली साल की मैं बात कर रहा हूं, फिजिबिलिटी मुकम्मल हो जाएगी या इसके ऊपर आगाज होगा, तो 8 प्रोजेक्ट्स में जिक्र करता चलूं कि एक 306 किलोमीटर का हैदराबाद सक्कर इंशाल्लाह मार्च में ग्राउंड ब्रेकिंग होगी, EOI उसका आ गया। फिर उसके साथ साथ हमारा GT रोड का इलाका, अगर आप देखें सेंट्रल पंजाब लाहौर के इर्द गिर्द आपको मोटरवे नजर आएगा, लेकिन हमारा पिंडी कारिया सियालकोट ये जो GT रोड का इलाका है यहाँ पे मोटरवे नहीं था, इसकी फिजिबिलिटी के ऊपर आगाज हो गया, सियालकोट से कारिया पिंडी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसकी फिजिबिलिटी इस साल मुकम्मल हो जाएगी। लियारी का एक प्रोजेक्ट हमारा, वो भी इस साल इंशाल्लाह उसकी फिजिबिलिटी मुकम्मल हो जाएगी। उसके साथ साथ हमारा मियावाली बलकसर मियावाली और फिर मियावाली जो मुजफ्फरगढ़ हमारा बनता है उसकी 286 किलोमीटर ये जो है इंशाल्लाह इस साल इसकी भी फिजिबिलिटी मुकम्मल हो जाएगी। फिर उसके साथ साथ हम हमारा कराची क्वेटा चमन N25 790 किलोमीटर का, ये भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मैं आपको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट बता रहा हूं कि कौम के खजाने PSDP में नहीं, हम इसको करेंगे कमर्शियली जो फिजिबल प्रोजेक्ट होंगे, हम इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर आएगी और ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह बनाएंगे, तो इस माली साल में इन 790 किलोमीटर का चमन कराची जो आपका प्रोजेक्ट है इसके ऊपर भी हम आगाज कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है शाहदरा जो फ्लाईओवर वहां पे जरूरत है, फिर हमारा जो यहाँ पे कहते हैं बाराकाओ वाला जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी भी इस साल फिजिबिलिटी मुकम्मल हो जाएगी, चंद प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम आगाज कर लेंगे। तो ये वो प्रोजेक्ट्स हैं
जो हम प्लानिंग करके बेहतर प्लानिंग करके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, इंटरनेशनल ब्रिजेस के जाएंगे, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, सड़कें भी बनेगी। तो एक तो ये हो गया। अब कुछ और सड़कें जो हमारी पेशी भी इस साल शुरू होंगे, वो हमारा शिकारपुर राजनपुर 222 किलोमीटर का है, राजनपुर डीजी खान 122 किलोमीटर का है, डीजी खान डीआई खान टोटल ये मिला के 652 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। ये भी इंशाल्लाह इसी माली साल में शुरू हो जाएगा। जो कुछ लाख 305 किलोमीटर का, ये भी इसी साल इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। होशाब अवारान M8 146 किलोमीटर का, ये भी इस माली साल की मैं बात कर रहा हूँ शुरू हो जाएगा। फिर जलजाव बेला 82 किलोमीटर का, ये भी इस साल शुरू हो जाएगा। नुकंडी मशकेल जो है 103 किलोमीटर का, ये भी इस साल शुरू हो जाएगा। कराड़ो वध हमारा 47 किलोमीटर का, ये भी इस साल शुरू हो जाएगा। जियारत मोड़ कीच हरना 107 किलोमीटर का, ये भी इस साल शुरू हो जाएगा। लोधरा मुल्तान, ये भी इस साल शुरू हो जाएगा। साथ में हमारा इस साल स्वात मोटरवे जो है दिसंबर में ग्राउंड ब्रेकिंग उसकी दूसरी फेज की हो जाएगी। इसके साथ साथ दिर चकदरा चतराल मोटरवे की फिजिबिलिटी भी इस माली साल के अंदर मुकम्मल हो जाएगी। अब मैंने सड़कें भी आपको बता दी, अगर एग्जीक्यूशन की बात करें कि पिछले हुकूमत के आखिरी 2 साल और हमारे पहले 2 साल ग्राउंड पे सड़कों के काम को मुकम्मल करने की मतलब एग्जीक्यूशन किसने कितनी की है, 546 किलोमीटर ज्यादा मतलब 48.2% ज्यादा मौजूदा हुकूमत ने सड़कों के ऊपर ग्राउंड पे एग्जीक्यूशन हमने की है। अब नए मंसूबे भी आ रहे हैं। मैंने ये प्रोजेक्ट आपको इसलिए बताया कि एक तो सड़कें बन रही है बल्कि उससे ज्यादा बन रही है, सड़कें एक नए विजन के साथ बन रही है कि आप उसकी पूरी प्लानिंग कर दो, फिजिबिलिटी तैयार कर दो, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर दो, लोगों को रोजगार भी दे दो, लोगों को कनेक्टिविटी भी दे दो। हम टूरिज्म की सोच लेके आते हैं कि फार्म टू मार्केट रोड की सोच लेके आए, अपने सयाहत को फरोग देने के लिए उधर सड़कें लेके जा रहे हैं, ये भी साथ में शुरू कर दिया। लेकिन साथ में जो बड़े काम हो गए जो मौजूदा हुकूमत और माजी की हुकूमतों में फर्क है, और मेरा फर्ज बनता है क्योंकि इवेंट है NHA का, लेकिन बुनियादी फर्क क्या है? बुनियादी फर्क है एहसास का, बुनियादी फर्क है कमजोर तबके को उठाने का, बुनियादी फर्क है अपने जो लोग महरूम थे या जो इलाके महरूम थे उनको उठाने का, उनको तरक्की देने का। बड़े प्रोजेक्ट्स जो है हमारी नजर में एहसास प्रोग्राम जो 192 अरब का पहले साल शुरू हुआ था, कोरोना की वबा फैली, 2 हफ्ते का लॉकडाउन था, 12 करोड़ इंडिया में बेरोजगार हुए, 4 करोड़ अमेरिका में बेरोजगार हुए, पाकिस्तान ने क्या किया और गुर्बत की लकीर से नीचे लोग चले गए। पाकिस्तान ने क्या किया, इमरान खान ने कहा कि मैंने मरज से भी कौम को बचाना है लेकिन मैंने साथ में बेरोजगारी से बचाना है, भूख से बचाना है, गुर्बत से बचाना है। 144 अरब का पाकिस्तान के 1,60,00,000 खानदानों को जो 12,000 फी खानदान दिया गया, वो उस वक्त बहुत बड़ा काम हुआ कि जो लोग बेरोजगार हो गए थे उनको उससे कम से कम चंद दिनों के लिए उनको आसानी पैदा हुई।